इन सब का हाल देखो, बंदे देखो जैसे स्लेप वाले बंदे इधर स्लेप डालने आए हैं। यहाँ से ये अपनी एक गाड़ी, दो, तीन, चार, वेट वेट वेट, अभी पांच इश्फाक भाई की, छह आगे भाई की, तो ये अपना काफिला है, छोटा सा काफिला। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और सेहतियाब होंगे। जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, हम पहुंचे थे लखनऊ। लखनऊ में हमने सेब खाली करके फिर उसी के साथ हमने लोडिंग की। हमारा लोड है लकड़, जो है पंजाब का, क्योंकि आजकल इधर माल बहुत कम निकल रहा है और घर से भी उतना खास भाड़ा होता नहीं है, तो डबल रिपोर्ट बना के ना थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है भाड़े में, इसलिए हमने लकड़ लिया होशियारपुर का। और हमारे साथ है आज गाड़ियाँ, हम पाँच गाड़ियाँ अपनी हैं, अपने यार दोस्त साथ में हैं। तो अभी बजे सुबह के 9, रात को हम सो गए थे बरेली में, बरेली से अभी हम निकल गए। तो ये अपनी एक गाड़ी है, ये आपको मैं दिखाऊं, और हमारे जुनेद भाई गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे। तो बस अभी हमारी राइड कंटिन्यू है, बने रहे हमारे साथ क्योंकि ये व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी साथ है तो मज़ा आने वाला है। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए रामपुर टोल पे और अब आपको अपना काफिला दिखाने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये अपनी एक गाड़ी, दो, तीन, चार, वेट वेट वेट, अभी पांच इश्फाक भाई की, छह आगे भाई की, तो ये अपना काफिला है छोटा सा। सभी गाड़ियों में लकड़ भरी है सफेदा। बस अभी खाने का कोई प्लान सोचते, देखते आगे क्या खाने का होगा, तो खाना खा के फिर आगे जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अभी हमारे बाजल भाई यहाँ मिल गए, ये देखो, खलासी 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 तो खलासी खलासी। और बाजल भाई यार बाज, बढ़िया बढ़िया, ये देखो बंदे बंदे देखो, इधर टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी कोई काम है। और यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आप, इतने बंदे देख के? गया था एक जगह, वहाँ पे एक प्लेट बिरयानी मिली टोटल, मैंने सोचा 12 बंदे हैं एक साथ, तो करे क्या भैया। आरटीओ मिला था रोड पे, वहाँ वो भाग गए आरटीओ ही, पता नहीं क्या मसला। गाड़ियाँ देख के, काफिला देख के, आगे भाई आप क्या कहना चाहते? परेशान, बहुत परेशान। क्यों? खाना हमारा हो गया, तो खाना खाने के बाद हम निकल गए, हम आधी गाड़ी आगे आधी गाड़ी पीछे, और हमारे साथ आ गए अपने आके भाई। अभी आके भाई और मैं बातें करते करते चल रहे, जुनेद और बाजल भाई आके भाई के गाड़ी चला रहे, बाकी सब आगे पीछे है, जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। बाकी गर्मी की बात की जाए तो गर्मी ठीक ठाक है, उतनी भी ज्यादा भी नहीं है। One eternity later. तो अभी बजे दिन के 3 और हम कंटिन्यू चल रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि कल सुबह तक हम होशियारपुर पहुंच जाए, जल्दी जल्दी से खाली करके जल्दी जल्दी से घर की तरफ जाए, हमारी यही कोशिश रहेगी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, हमारी तो कोशिश ही है। और बाकी सारी गाड़ियाँ पीछे आ रही है और आके भाई और मैं आगे चल रहे हैं। आके भाई इधर फ़ोन करते करते, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं आज सीज़न में ना, बस आपस में दोस्त फ़ोन करते, कहाँ का लोड करे, किधर क्या हो, मतलब ऐसा ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच गए हापड़ और यहाँ पे हम नहाएंगे, थोड़ा सा चाय वाय पी के शाम हो जाएगी, तब तक गाड़ियाँ साफ करके फिर आराम से निकलेंगे। तो अपने भाई और ये देखो, दो वाइट और 3 ब्लैक, ऑल ब्लैक, ये देखो अपनी गाड़ियाँ भाई फुल लोडेड। हाँ, बस आके भाई की गाड़ी में हाइट नहीं है, आके भाई की गाड़ी को साइड में रखना था। और अपनी गाड़ियाँ देखो, काले चंदन लेके जा रही है, लाल चंदन। और बाकी ये अपने भाई लोग देखो, आधे इधर और आधे उधर। तो अपनी और एक गाड़ी आ गई, और गाइस ये चीज़ चेक करो, गाड़ियाँ देखो कितनी मस्त, हाय हाय इतनी प्यारी गाड़ियाँ लग रही है। और इनका हाल देखो, लिटरली इन सब का हाल देखो, बंदे देखो जैसे स्लेप वाले बंदे इधर स्लेप डालने आए हैं। मोटर चालू करो भैया। कितने बंदे हैं इधर, अपने सारे भाई हैं। तो बस अभी नहा के फिर निकलेंगे। सो फाइनली गाइस, चाय हमने पी ली, तो बस अभी निकलने की तैयारी हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए ना, आगे आरटीओ बैठते परेशान करे। यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, ये देखो कैमरामैन इश्फाक के साथ, ये एक अलग पार्टी है वो अलग, और 3 ब्लैक
तीन वाइट मैं अभी कैप्चर कर रहे हैं। अरे वाह क्या रे मजा, काश ऐसी हमेशा किस्मत होती। तो गाइस निकल पड़े हम अपने रास्ते की तरफ, तो आगे अपनी गाड़ियां सारी जा रही है, वो आप देख सकते हो मोड़ में। ये देखो पूरा रोड ही जाम हो रहा है यार, क्या हो रहा है इधर काफला देखो गाइस। ये देखो लाइन में पूरी अच्छे से तरीके से गाड़ियां मुड़ रही है और हम सबसे लास्ट में, क्योंकि इश्फाक भाई आगे। और हमने क्या सबसे बेस्ट चीज़ किया, सबसे बेस्ट चीज़ हमने ये की कि हमने एक ग्रुप बनाया, अगर आगे वाली गाड़ी को कोई कट करना हो, लेफ्ट राइट कहीं जाना हो, तो आगे वाली गाड़ी ग्रुप में मैसेज डाल दिए तो सारे बाकी पीछे मैसेज देख रहे हैं। ऐसे ना फ़ोन करने में टाइम लगता था और पांच गाड़ियां हैं, पांच ड्राइवर को फ़ोन करना कितना टाइम लगता है, तो हमने एक ग्रुप बनाया है, बड़ी आसानी हो रही है, तब से ग्रुप में ही सारी मैसेजेस आ रही है। तो ये देखो अपने इश्फाक भाई के पीछे हम हैं और इश्फाक भाई के आगे बाकी गाड़ियाँ हैं। तो अभी जुनैद भाई गाड़ी चला रहे हैं, मैं थोड़ा रील की एडिटिंग कर रहा हूँ। जुनैद भाई आराम से चलो, तो मिलते हैं आपको आगे। भाई का हाल देखो गाइस, मोमिन भाई आप क्या कहना चाहते हो? मोमिन भाई की हालात बहुत गंभीर हो गई यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ओ ये क्या कर रहे हैं इधर, ओ पागल हो। ये देखो गाइस यहाँ पे क्या चल रहा है, ओ अंदर अंदर हेलो भाई, और रोड की ओर मत जाओ यार। आज तक का सबसे बेस्ट व्लॉग यूट्यूब पे, ऐसा व्लॉग आपने नहीं देखा होगा, ना ही आपने इतनी गाड़ियां साथ में देखी होगी, क्योंकि आज तक मैंने तो नहीं देखी इतनी गाड़ियां साथ। और सारे अपने भाई है, सारे हम यार दोस्त है, और पहली बार आज हम मिले इश्फाक भाई, अपनी गाड़ियां सारी। हाँ आपने आज तक ऐसा देखा है कभी, ऐसा व्लॉग में, हमारे व्लॉग में पहली बार हो रहा है इश्फाक भाई और मेरे व्लॉग में। और सारे अपने भाई है, मतलब अपने दोस्त है, और सारी गाड़ियां एक साथ चल रही है। वो देखो पीछे लाइन कहाँ तक है, और यहाँ से देखो क्या। चलो चलो आप रहने दो, आप लेट हो गए, चलो आप चले चले। अपने प्लान हो गया कि खाना कहाँ खाएंगे, बस हम भी निकल जाएंगे। अभी खाना खा के ना जुनैद भाई थोड़ी देर रेस्ट करेगा, उसके बाद मैं चलाऊंगा दो चार घंटे गाड़ी। तो गाड़ियाँ हमारी चल रही है आगे, अपनी गाड़ी उसके आगे और अपनी गाड़ी, और अपडेट आपको देते वो पीछे भी अपनी गाड़ियाँ हैं, सारा रोड ही अपना। ये देखो पीछे इश्फाक भाई, उसके पीछे आगे भाई, अपनी गाड़ियाँ कंटिन्यू आ रही है और पूरे तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं कि मतलब लापरवाही कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लाइन में सारी गाड़ियाँ चल रही है। सो फाइनली अभी हम रुक गए यहाँ पे, ये अपने भाई लोग। और खाना खाना है अब? वालेकुम सलाम भाई, खाना खाना है अब? कहाँ खाएंगे, होटल पे? आज रोटी। हाँ तो अपनी गाड़ी है, ये लाइन ही सारी अपनी गाड़ियों की है। बस इश्फाक भाई और कहाँ है? तो सारे आ गए भाई, ये अपने बंदे लोग। और गाइस ज़्यादा गाड़ियों का ना एक मसला होता है, इतनी गाड़ियों का जगह मिलना भी। ओ लास्ट गाड़ी हमारी वो है वहाँ, यहाँ तक हमारी गाड़ी है। अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, इधर जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने को, तो अभी देखते हैं क्या बोलेगा। तो अभी रात के बजे हैं 12 और पहुँच गए हम करनाल। एक समझ नहीं आती ना, ये रात को पता नहीं कौन डंडा लेके बैठते हैं। ये देखो किसी गाड़ी को ऐसे ही जाने देते, किसी गाड़ी को पकड़ते, इनका भी नहीं समझ आता ये है कौन क्या है यार। जर्नी हमारी कंटिन्यू है और अभी चल रहे हैं हम अम्बाला की तरफ। अम्बाला यहाँ से रह गया है 30 किलोमीटर, अम्बाला से हमें राइट जाना है जीरकपुर की तरफ। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि जीरकपुर से अंदर होके होशियारपुर की तरफ जाए या फिर ऊपर वाली साइड जाए, खन्ना वाली साइड। तो अभी देखेंगे आगे कहाँ से जाएंगे, वैसे लग रहा है हम अंदर से ही जाएंगे, क्योंकि टोल भी बचेगा वहाँ से, हमारा फ़ायदा भी और टाइम भी बचेगा। और ये अपने राजा भाई आगे है, तो अभी हम पहुंचे अम्बाला और यहाँ पे चाय पीनी है भाई, चाय पियेंगे और मनान भाई का ना इस गाड़ी में पंचर हुआ है, उसको चेक करें। तो अभी जुनैद भाई को गाड़ी देके हम
करते आराम, और व्लॉग को एडिटिंग भी करना है, अपलोड भी करना है। रात को ही अपलोड कर पाते, दिन में गर्मी इतनी होती है ना, फोन बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। हो आप सबको ये व्लॉग पसंद, अगर किसी भी रीजन से ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।